नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल माय एस्ट्रो गाइड में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चंद्रमा की मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है, जो मून प्लेनेट है, तथा उसकी महादशा तथा अंतरदशा मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आपको दूं। स्टार्ट करते हैं चंद्रमा की महादशा। दोस्तों, कई लोगों को ये बड़ी हैरत होती है कि यार, एक जो प्लेनेट है उसका मानव जीवन पर या जो ह्यूमन बीइंग है उसकी पर्सनैलिटी या उसके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए मैं उनका पहले थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, मॉडर्न साइंस की अगर हम बात करें तो मॉडर्न साइंस कहती है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है, राइट। और हमारी धरती पे, अर्थ पे जितना भी वाटर है वो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है, और हमारी बॉडी में भी लगभग 60% वाटर एलिमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिष नहीं कह रहा है, ये तो मॉडर्न साइंस कह रही है। तो जब हमारी धरती पे जो वाटर है उस पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से मूवमेंट आता है, तो क्या हमारी बॉडी के अंदर जो एलिमेंट है वाटर का, उसका क्या चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसमें मूवमेंट नहीं आएगा, उसमें कोई हलचल नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बहुत कनेक्टिविटी है। अगर आप एस्ट्रो साइंस को समझेंगे बहुत अच्छी तरह, तब आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। जब मैंने इनिशियली, मैं भी इस पे एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैंने भारतीय विद्या भवन में एडमिशन लिया और अपना 3 साल का डिग्री कोर्स वहां से कंप्लीट किया, तब मुझे जाकर के समझ में आया कि वाकई में जो प्लेनेट है इनका हमारे मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, मैं आपको बताता हूँ। हम जैसे कि हम सब जानते हैं, ये मॉडर्न साइंस भी मानती है कि चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है, क्योंकि सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, और धरती पे जो भी है उसमें सबसे जो तेज गति है वो मन की है। मन 1 मिनट में, 1 सेकेंड में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, देखिए कितनी कनेक्टिविटी है। तो चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक माना गया है। एक राशि में ये 2.5 दिन रहता है, 2.5 डेज एक राशि में चंद्रमा रहता है। वाटर एलिमेंट को, हमारी बॉडी में जितना भी वाटर है उसको चंद्रमा दर्शाता है। अगर चंद्रमा हमारा वीक है तो हमारे बॉडी में, आप चेक करवा लीजिएगा, अपना टेस्ट करवा लीजिएगा, वाटर की जो है आपकी बॉडी में कमी होगी। दूसरा, ये एक कोल्ड प्लेनेट है, तो इसलिए शीतलता है, मन को रिप्रेजेंट करता है ये, शीतलता को, जो ठंडक है उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे अगर मानव जीवन को देखें तो उस पर हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये 16 कलाओं का प्लेनेट है, तो इस प्लेनेट की जो है मानव जीवन पर बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इस प्लेनेट का महत्व हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा है। चंद्रमा को स्त्री कारक ग्रह माना गया है, ये हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है या दुख होता है तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, वाटर, अगेन वाटर एलिमेंट, ठीक है। हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है तथा हमारे इमोशन जो हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ये था चंद्रमा के बेसिक करेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है, वीक मून है, तो आपके क्या परिणाम होंगे, और जो अगर आपका चंद्रमा स्ट्रोंग है तो क्या परिणाम होंगे। दोनों ही केसेस में जो मून की सिचुएशन है वो उस पे डिपेंड कर। तो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्या ऐसे सिम्टम है जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारी मून की दशा चल रही है। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी बहुत कारगर है जिन लोगों को के पास उनकी कुंडली नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा उनकी मून की दशा चल रही है। तो चलिए इसके सिम्टम हम जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिम्टम, अगर आपकी बॉडी में वाटर की कमी है तो समझ जाइए कि आपका मून जो है वो वीक है। दूसरे, अगर आपकी माता को प्रॉब्लम रहती है, अपनी आपकी माँ को कष्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, ठीक है, तो समझिए कि आपका चंद्रमा वीक है। आपकी माँ को हमेशा बीमार रहती हैं, या उनको कोई ना कोई पीड़ा रहती है, या उनको मानसिक अशांति रहती है, तो समझ जाइए मून आपका वीक है। अगर आपका खुद का मन अशांत रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का भी कारक है, खुद का मन अशांत रहता है, आप डिप्रेशन में रहते हैं,
बार बार कोई आपके मन का आकर के ठेस पहुंचाता है तो समझ जाइए कि आपको मून की महादशा है और आपका मून जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। अगर आपको डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है, मानसिक पीड़ा है, तो समझ जाइए कि आपकी मून की महादशा चल रही है। उसके अलावा यदि आपको आप फालतू की दौड़ धूप करते हैं या आपको फालतू की दौड़ धूप करनी पड़ती है तो समझ जाइए कि आपका जो मून है वो बहुत ज्यादा वीक है। या तो मून की महादशा चल रही होगी या मून की अंतर्दशा चल रही होगी। दूसरी चीज, यदि आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है या आप इमेजिन नहीं कर पाते हो, इमेजिनेशन पावर आपकी वीक है, तो समझ जाइए कि आपका मून जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। अगर आपको फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, बलगम जैसे खांसी होना, या आपको बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, या छाती से रिलेटेड कोई भी बीमारी आपके जैसे टीबी वगैरह की बीमारी इजिली हो जाती है आपको या लग जाती है, तो समझ जाइए कि आपका मून जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। अगर आपको नींद बहुत ज्यादा आती है तो भी समझ जाइए कि आपका मून वीक है। इसके अगेंस्ट अगर आपका मन बहुत आप बहुत ज्यादा खुश रहते हो, आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि हर आदमी आपसे बात करना चाहता है, तो समझ जाइए कि आपका मून बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। आपकी मदर की हेल्थ बहुत अच्छी है, आपकी आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो समझ जाइए कि आपका मून स्ट्रोंग है। और अगर आप नई नई क्रिएटिव चीजें ला करके, मतलब अगर आप नई नई क्रिएटिव चीजें करते हैं, तो समझ जाइए कि आपका जो चंद्रमा है वो स्ट्रोंग है। अगर आप हमेशा प्लेजेंट फील करते हैं तो समझ जाइए कि आपका चंद्रमा स्ट्रोंग है। अब मैं आपको बताता हूं मून की रेमेडीज, मैं आपको बताऊंगा रेमेडीज कि मून की चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा की अंतर्दशा या खराब चंद्रमा के लिए जो है क्या रेमेडीज करनी चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि यू रिस्पेक्ट योर मदर। अगर आप अपनी माँ का सम्मान करोगे तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इरिस्पेक्टिव कि आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तब भी आप अपनी माँ का सम्मान करें, कोई ना कोई गिफ्ट उनको दें। अगर आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप चाहे मोती पहन लीजिए, आप कितना भी हवन करवा लीजिए, कितने भी जप तप करवा लीजिए, आपका मून कभी ठीक नहीं होगा। ये 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। उठा के देख लीजिए अपनी कुंडली, और अगर आपके रिलेशनशिप सही नहीं है, आप रिगार्ड नहीं करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं, रिगार्ड नहीं करते हैं, तो समझ जाइए कि आपका मून की महादशा जो है आपकी कभी भी फलदायी होने वाली नहीं है। दूसरी चीज, चंद्रमा भगवान के शिव के सिर पर है, विराजमान है, तो भगवान शिव को जब आप जल अभिषेक करते हैं, खासकर जब आप दूध और गंगा जल अभिषेक करते हैं, तो आपका जो चंद्रमा है वो अच्छे फल देना, अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। सोमवार के सोमवार आप जाइए, शिव मंदिर जाइए और वहां पे जल अभिषेक कीजिए। दूसरी बात, आप वाटर डोनेट करिए, आप वाटर डोनेट करिए, जैसे आप कहीं पे प्याऊ वगैरह लगा सकते हैं, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग इजीली लगा सकते हैं, या जैसे कभी कोई फंक्शन होता है, जैसे कोई त्योहार होता है जो वहां पे आपको वाटर लगाते हैं, या गर्मियों में आप किसी को वाटर पिलाते हैं, तो आपको जो है वो चंद्रमा की महादशा फलदायी होगी। तीसरे, चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका जाप कीजिए। 108 बार किसी भी मंत्र का जाप करना चाहिए तो आपको जो चंद्रमा की महादशा है वो आपके लिए फलदायी होगी। तीसरी चीज, आप जो डोनेट क्या क्या करना है, आपको चीनी, दूध, दही, जो मिल्क प्रोडक्ट है उनको अगर आप डोनेट करते हैं तो भी चंद्रमा की महादशा अच्छा फल देती है या अच्छा फल देना शुरू कर देती है। तीसरे, अगर आप मोती पहन सकते हैं, लेकिन ये आपने किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह के बाद ही पहनना है, क्योंकि हर किसी को हर कोई स्टोन सूट नहीं करता है, तो अगर आप मोती पहनते हैं तो आपको चंद्रमा जो है आपका अच्छा होना शुरू हो जाता है। लेकिन मोती, मैंने फिर से कह रहा हूं कि आप तभी पहनिए जब आपको गाइडेंस मिलती है प्रॉपर किसी एस्ट्रोलॉजर से। ये था मेरी सारा चंद्रमा की महादशा को लेकर के विश्लेषण। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या आप भी किसी ग्रह के बारे में मेरे से चाहते हैं कि मैं उसके बारे में डिस्कस करूं, तो प्लीज आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट जरूर करें कमेंट में, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं।